अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बिलाल काशी और आईटी लैब की जानिब से एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये मेरा चैनल है आईटी लैब है बिलाल काशी, इसको सब्सक्राइब करना और दोस्तों से शेयर करना मत भूलें, क्योंकि मैं कंप्यूटर के रिलेटेड, मोबाइल के रिलेटेड, मोबाइल फ्लैश के रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो चलते आज की वीडियो की तरफ कि आज की वीडियो में हमने क्या देखना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हम किसी की कॉल किस तरह सुन सकते हैं। तो ये तो मैंने एक थंबनेल बनाया है कि किसी की भी कॉल सुने, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर बाप अपने बच्चों पे निगरानी करना चाहता है कि वो किस से कॉल करता है और किस तरह की कॉल करता है, तो वो कर सकता है। वरना आप किसी का मोबाइल हैक नहीं कर सकते, और ना ही मैं आपको हैकिंग का कहूँगा और ना ही मैं आपको हैकिंग का बता रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप किसी पे निगरानी रख सकते हैं, क्या वो आपसे कोई फ्लड वगैरह तो नहीं कर रहा। तो ये सब करने के लिए आप शराइत क्या है, सबसे पहले तो जिस की आप कॉल सुनना चाहते हैं उसका मोबाइल एंड्रॉयड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो आपके पास मोबाइल होना चाहिए जिस पे आप जिसकी कॉल सुनना चाहते हो, एक घंटे, दो मिनट के लिए या तीन मिनट के लिए आपके पास वो मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है। तीसरी बात ये है कि जैसे वो जब भी कभी वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो वो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास वसूल हो जाएगी। जब तक वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेगा आपका उसका अपना मोबाइल, तो आपके पास उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो आजकल तो जिसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल होता है या स्मार्टफोन होता है, तो उसका तो हर वक्त इंटरनेट चलता रहता है, फेसबुक चलती रहती है। तो अगर आपका कोई भाई है या बहन है या जो भी है, उसके अगर आप मोबाइल में ये सिस्टम करते हो, तो वो जैसे ही फेसबुक या कुछ भी चलाता है तो आपके पास उसकी डिटेल्स आ जाएगी। तो ये सब करना कैसे है, तो आपको उसका मोबाइल लेना पड़ेगा। मोबाइल में प्ले स्टोर खोलने के बाद उसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसमें आपने जीमेल वगैरह देना है या कोई भी ईमेल देना है, वो ईमेल देना है जिस पे आपको वो वॉइस रिकॉर्ड वसूल होगी। तो ये सब कैसे करना है, चलते हैं मोबाइल की तरफ। मोबाइल पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर पीसी पे भी करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, आपने मोबाइल पे करना क्या है कि जिस बंदे की आप वॉइस कॉल सुनना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो, तो उसका मोबाइल आपने ले लेना है। तो अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, आपका दोस्त है या आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो आप उसे इजीली ले सकते हो। लेने के बाद आपने क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने ये देखें, मैंने पहले से ओपन किया हुआ है, क्योंकि ऊपर से मेरा 2G आ रहा है, तो इसलिए मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है। आपने सर्च में लिखना है हिडन कॉल रिकॉर्डर, तो ये देख लें, इसका आइकन भी देख लें, और एम रिकॉर्डर वालों ने इसको बनाया है। तो सर्च में लिखोगे तो आपके पास इस तरह का आ जाएगा, तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने पहले से इंस्टॉल किया है, क्योंकि मेरे पास 2G अभी चल रहा है, तो मैंने कहा आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद, ओपन करने के बाद यहाँ से ये एक लिखा हुआ है बैकअप सर्विस। बैकअप सर्विस मतलब कि ये जो इस मोबाइल में कॉल जाएंगी या SMS होंगे, जो आप इसका डेटा निकालना चाहते हो, तो वो कहाँ पर जाएं। तो आपने क्या करना है, सर्च करना है यहाँ पर, वो आपने ईमेल एड्रेस इंटर करना है कि आप जिस पे चाहते हैं कि इस ईमेल पे हमें इसकी वॉइस कॉल की जो रिकॉर्डिंग है वो हमें वसूल हो जाए। तो आपने यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस से इंटर करना है, मैं इंटर कर देता हूँ। मैं ये इंटर कर देता हूँ। ओके, ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर देखें कि ईमेल आ गया, डेटा एक्सेस है,
सेंड फाइल और वाईफाई, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं कि जैसे ही उसका जो मोबाइल है वाईफाई से कनेक्ट होगा तो आपके ईमेल पे एक मेल आएगा जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर आप कर दें। आजकल जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं तो इंटरनेट के अलावा उसका गुजारा नहीं होता। तो नंबर दो पे आपने करना क्या है कि यहाँ पर देखें, मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, मेरे पास तो 2G है। हाइड आइकन कर देना है आपने, तो ये आपका जो आइकन होगा हाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं भी कॉल रिकॉर्डर का आइकन हमारे पास नहीं आ रहा। तो अब हम कोई कॉल रिकॉर्ड करते हैं कि क्या वो उधर हमारे ईमेल पे जाती है कि नहीं जाती है। मैं यहाँ पर कस्टमर केयर में खुशामदीद। मोहसिन सारिफ, तमाम नुमाइंदे इस वक्त सारिफीन रहनुमाई में मसरूफ है, तखीर से बचने के लिए बराए मेहरबानी कुछ देर बाद दोबारा रब्ता करें। जैसे ये कॉल रिकॉर्ड हो गए तो जैसे हमारा मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होगा, वाईफाई से कनेक्ट होगा, तो जो जीमेल हमने दिया होगा या ईमेल हमने दिया होगा तो उस पे ये एक मेल भेजेंगे, उसमें ये रिकॉर्डिंग होगी। तो देखते हैं अब मोबाइल पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि लैपटॉप पे आपने क्या करना है या पीसी पे आपने क्या करना है। जैसे वो मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी और उसमें आपने वो जीमेल या कोई भी ईमेल आपने इंटर कर लिया है तो उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकती हो, किसी भी जगह से एक्सेस कर सकती हो। तो आपने करना क्या है कि अपनी ब्राउज़र ओपन करनी है, वही आपने एक जो आपका जीमेल है या ईमेल है उसको आपने ओपन करना है। जैसे कि मैं ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे पास, मैंने ये BS Bilal 98 का दिया था, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसके जीमेल में चला जाता हूँ तो आपको उस मेल पे एक मेल आएगा इनका, एम रिकॉर्डर वालों का, मोबाइल रिकॉर्डर वालों का। तो यहाँ पर ये सबसे ऊपर देखें तो एक मेल आया है मुझे मोबाइल रिकॉर्डर का, ये देखें, हवावे Y520 वाज एडेड टू योर अकाउंट। तो इस तरह के आपके पास एक मेल आएगा, आपने उस मेल को ओपन करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें, प्लीज़ यूज़, ये आपका योर लॉगिन ईमेल है ऊपर, और नीचे आपका पासवर्ड दिया गया है। नहीं तो आप ऐसा करें कि ये जो आपको नीचे लिंक दी गई है इस पर आप क्लिक करें तो आप एक दूसरे टैब पे चले जाएंगे। दूसरे टैब पे जाने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ ओपन हो जाएगा, खुद ब खुद ये लॉगिन हो जाएगी। ये देखें, उसी मेल से हम लॉगिन हैं और यहाँ से अगर आप साइन आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये देखें कि जो रिकॉर्डिंग की गई है तो वो 7 दिन में एक्सपायर हो जाएगी। ये बता रहे हैं कि या तो इसका आप प्रूफ वर्जन पेड कर लें। तो हमने हवावे Y520 ऐड किया था तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये शो ऑल है, लोकेशन है, कमांड्स है, इन्फो है। ये देखें कि हमने लास्ट टाइम यही कॉल की थी टेलीनार हेल्पलाइन पे, तो इस पर आप क्लिक करें, ये एक कॉल रिकॉर्डिंग होगी। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव है, डिलीट है, कैंसिल है, डाउनलोड, तो आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो आप ये कहीं से भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको ये अपना जीमेल जो है या ईमेल है अपने मोबाइल में खोलें। मोबाइल में खोलने के बाद आप वहाँ पर आपके इनबॉक्स में आ जाएगा ये मेल, तो वहाँ से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप उसकी कॉल जो रिकॉर्ड की गई होगी वो डाउनलोड करके सुन सकते हैं और इजीली अपना काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर लाजमी करें और ये मेरा चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी खिदमत में ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहूँ।
तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।